दो बजे तक स्थगित की जाती है। ये तानाशाही नहीं चलेगी। संसद हमले की 22वीं बरसी के मौके पर यानी 13 दिसंबर 2023 को लोकसभा में चूक का बड़ा मामला सामने आया है। दो व्यक्ति लोकसभा की विजिटर गैलरी से सदन में कूद पड़े और जूते से गैस छोड़ने वाली चीज निकाली, जिससे पूरे सदन में धुआं धुआं हो गया। इस दौरान वहां मौजूद सांसदों ने दोनों लोगों को पकड़ लिया और पुलिस के हवाले किया। इस घटना में 6 लोगों को हिरासत में लिया गया है। पकड़े गए आरोपियों में जो सबसे चर्चित नाम है वो है नीलम। नीलम को संसद के बाहर प्रदर्शन करने के दौरान हिरासत में लिया गया। नीलम के बारे में जो जानकारियां निकलकर सामने आ रही हैं, वो सबको हैरान कर रही है। नीलम और उसके परिवार वालों की माने तो देश में बढ़ती बेरोजगारी के विरोध में ये रास्ता उसने अख्तियार किया। जब नीलम की शैक्षणिक बैकग्राउंड को खंगालने की कोशिश की गई तो जो सामने आया उसे सुनकर आप भी चौंक जाएंगे। नीलम के पास एक दो नहीं बल्कि 6 डिग्रियां हैं। इसके साथ उसने नेट भी क्वालिफाई किया हुआ है। ये जानकारी किसी और ने नहीं बल्कि खुद नीलम के छोटे भाई ने दी है। क्या कुछ कहा सुनिए। मेरा नाम रामनुषा जी, मैं गाँव घसोखुर्द से हूँ। अच्छा, अभी नीलम का एक वीडियो आधा प्रोटेस्ट किया लोकसभा के बाहर, क्या कहेंगे उस बारे में? हाँ, नीलम मेरी बड़ी दीदी है सर। वो हमें तो पता भी नहीं था कि वो दिल्ली गई है। हमें तो यही पता था कि हमने तो वो हिसार में छोड़ रखी है स्टडी के लिए। क्या करती है, कौन सी स्टडी करती है? वो स्टडी सर ये पेपरों की तैयारी करती है, उसका स्टेट एक्सपायर हो गया था उसकी तैयारी करती है। वो दोबारा पेपर देकर दोबारा फिर गई हिसार, तो उसका कल आई थी वो घर पे, परसों आई थी, तो कल वापिस गई है हिसार। कौन सी क्लास में पढ़ती है वैसे, कितना पढ़ लिखी है? वो बीए एमए बीएड एसटेट सीटेट एमए एमफिल नेट क्वालिफाइड है उसका सर। अच्छा, बेरोजगारी की बात उन्होंने कही तो घर पे इस तरह की बात करती थी बेरोजगारी का मुद्दा है? आज भी उन्होंने संसद में ये कहा कि बेरोजगारी का तो सर उन्होंने कई बार मुद्दा उठा लिया। जैसे यहाँ पे किसान आंदोलन में भी गई थी वो, उनके साथ ही थी, किसान आंदोलन में भी किया उन्होंने। तो सर बेरोजगारी तो है ही, आपको ही पता है। तो ये कब से इस तरह के आंदोलन में भाग लेती थी पहले? नहीं, सबसे पहला आंदोलन इसका किसान आंदोलन नहीं था बस। तो इसको लेकर कभी बात होती थी आपसे की वजह से? इसी आंदोलन में भाग लेती थी, इसी कारण से हमें वो हिसार छोड़ रखी थी शिक्षा के लिए। तो कब छोड़ी थी सारी है? उसको कम से कम हिसार छोड़े को आज 5 से 6 महीने हो गए। तो ये आपको पता चला था दिल्ली गई है एकदम से? नहीं, इसका नहीं पता था हमें। अब हमें तो बड़ा भाई जो कुलाना रहता है ना, उसका फोन आया था केवल टीवी ऑन कर, उन्होंने क्या बात होगी, उन्होंने कि वो नीलम अरेस्ट कर ली वहाँ पे दिल्ली। तो और परिवार में कौन कौन है, क्या करते हैं? बड़ा भाई है, मेरी वाइफ है, मेरी माँ है, मेरे पिताजी है। क्या करते हैं काम पिताजी? मेरे पिताजी हलवाई है। आप क्या करते हैं? मैं दूधा काम करता हूँ। और दूसरा भाई? वो भी दूधा काम करता है। तो ये जो इस तरह का प्रोटेस्ट हुआ तो उनका मन में टीस दिखी थी बेरोजगारी को लेकर कि एक बड़ा मुद्दा है उनको लेकर? ये बेरोजगारी का तो बड़ा मुद्दा है, ये तो पता था हमें सर। क्यों उसने, मैं पहले उसके साथ गया था दिल्ली, उसका शायद टीजीटी का इंटरव्यू था, तो उसमें हमने देखा हमारे सामने ही बिल्कुल जो जिसके नंबर भी कम थे वो तो ले ली, और वो बोला कि आपका नीलम देवी है, एफिडेविट बनवा के लेके आओ। अब दिल्ली से यहाँ पे एफिडेविट कैसे बनवा के लेके जाएंगे? तो अब क्या मतलब क्या कहेंगे, जैसे अरेस्ट हुआ है, इस बारे में आप क्या कहेंगे? इस बारे में सर यही कहना चाहूंगा, अगर उसने ये कदम अच्छा किया या बुरा किया इसका तो हमें पता भी नहीं है। आपको बता दें कि संसद भवन के बाहर हंगामा करने वाली 42 वर्षीय नीलम मूल रूप से हरियाणा के जींद के गांव घसो की रहने वाली है। नीलम फिलहाल हिसार के रेड स्क्वायर मार्केट के पीछे स्थित पीजी में रहती है और यहां रहकर हरियाणा सिविल सेवा परीक्षा की तैयारी कर रही थी। इस खबर में फिलहाल इतना ही। ताज़ा अपडेट के लिए बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ।